कि यदि किसी सोसाइटी को समाज को कुछ दिनों की चिंता है, यदि वो अपने कुछ दिन सुधारना चाहते हैं तो फिर उन्हें अनाज उगाने चाहिए। यदि उन्हें कुछ और दिनों की चिंता है, कुछ और दिनों को वो उज्जवल करना चाहते हैं तो फिर उन्हें मीठे फल के पेड़ लगाने चाहिए। लेकिन यदि किसी भी समाज को अपने सदियों की चिंता है और वो अपने सदियों को सुधारना चाहते हैं तो फिर उन्हें इंसान उगाने चाहिए। इंसान उगते नहीं है सर, इंसान बोए नहीं जा सकते, लेकिन इंसान के अंदर इंसानियत को बोया जा सकता है। और इंसान के अंदर इसी इंसानियत को जगाने के लिए शिक्षा है। यानी एजुकेशन का फंडामेंटल ऑब्जेक्ट यही है कि वह इंसान के अंदर इंसानियत जगाए। परंतु आप जानते हो हमारे आज के एजुकेशन सिस्टम में इंसान के अंदर, बच्चों के अंदर पैसे कमाने की काबिलियत जगाई जा रही है। पूरा एजुकेशन सिस्टम डिजाइंड ऐसे है कि कैसे वो बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा कमाना सीखे, न कि इंसानियत। मैं अपने आपने ये सोचा कि ये हमारे एजुकेशन सिस्टम में कैसे इनक्रिप्ट होगा, क्या करना है? ये तो सबको पता है कि हमारे बच्चों में इसकी बहुत ज़्यादा दरकार है, परंतु करना क्या है? छोटा सा सजेशन है मेरे पास। मैं जानता हूं कि यह सजेशन परफेक्ट नहीं है, इससे बहुत अच्छे सजेशंस बन सकते हैं, फिर भी मुझे लगता है कि वी कैन डू दिस। सबसे पहला मेरा सजेशन है हमारे स्कूल्स के लिए, इंस्टीट्यूशंस के लिए। आज के दिन जब कैमरा मैकेनिज्म, साइंस, टेक्नोलॉजी इतनी आगे है, तो स्कूल्स में हम लोग थोड़े बहुत कैमरा मैकेनिज्म के थ्रू यह सिस्टम ला सकते हैं कि बच्चे क्लासरूम में कैसा बिहेवियर कर रहे हैं। सर, बिग बॉस सीरियल देखा आपने? अरे जब उन लोग के ऊपर नज़र रखी जा सकती है तो हमारे बच्चों पे भी नज़र रखी जा सकती है। और उनके उस कैमरा सिस्टम से एक बंदा बैठ जाएगा और दिन भर बैठ के इवेल्युएट करता रहेगा पूरे क्लासरूम को। यदि यह चीज़ इनक्रिप्ट हो जाए तो बच्चों को अपने आप ही डर रहेगा, यार कोई देख रहा है। बस यही तो हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों में शुरू से भावना डाल दें कि यार कोई देख रहा है। यह आने के बाद अपने आप ही मॉरलिटी अच्छी हो जाएगी, और फिर उसमें थोड़े बहुत मांस अलॉटमेंट कर दो, बच्चा बहुत मासूम होता है, कच्ची मिट्टी होती है। यदि आप मेरे सुझाव से सहमत हैं तो आपको कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। पेरेंट्स के साथ मेरा सुझाव ये है, जैसे रिजल्ट आता है मार्च के बाद, अप्रैल में, जून में, व्हाट्सएप भर जाते हैं, मेरा बेटा 95%, मेरी बेटी 98%, मेरा बेटा 92%, मेरा बेटा 97%। यानी हम अपने बच्चों की खूबियाँ उन परसेंटेज से ही नापते हैं और वही परसेंटेज हम अपने में शेयर करते हैं। यदि हम अपने बच्चों की छोटी छोटी बातों को अप्रिशिएट करें, आज मेरे बच्चे ने यह अच्छा काम किया, आज मेरी बेटी ने ये अच्छा काम किया, अंधे रास्ते को पार करा दिया, अंधे को रास्ता पार करा दिया, सॉर्ट ऑफ। यदि ये छोटी छोटी बातों के लिए हम अभिभावक, हम गार्जियन अपने बच्चों को प्रोत्साहित करें तो ये भावना डेवलप हो जाएगी। टीचर्स क्या कर सकते हैं? टीचर्स बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि जब टीचर्स क्लास में बोलता है तो बच्चे मन से या बेमन से सुनते हैं। यदि टीचर अपने 3 घंटे के बड़े लेक्चर्स में 2 मिनट भी मॉरलिटी को रेगुलरली इनबिल्ड करे अपने लेक्चर्स में, तो बच्चे कुछ न कुछ तो जरूर सीखेंगे। 3 घंटे के लेक्चर में 2 मिनट ऐसा बोला जा सकता है,
It will not waste time. It will give a relaxation. और फिर जब पढ़ाई वास्तविक यही है ना, तो फिर 2 मिनट 3 मिनट तो दे सकते हैं. दिस इज माई छोटा सा सजेशन कि हम लोग ये कर सकते हैं. मुझे मालूम है इससे बहुत अच्छा सोचा जा सकता है. इतने सन हैं, अच्छा सोचेंगे तो कुछ अच्छा निकलेगा. फिर भी मेरी तरफ से यह सजेशन.